गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर एट संज्ञा। कल हमने किया था चैप्टर सेवन शब्द भंडार। तो आज है हमारा संज्ञा। संज्ञा को नाउन कहते हैं इंग्लिश में। तो संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। नाम से ही व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान की पहचान होती है। कि नाम के द्वारा ही क्या होती है कि किसी का भी नाम होता है उसी के द्वारा हम उस व्यक्ति को, प्राणी को, स्थान को पहचान सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। रविंद्र आगरा रेलगाड़ी से ताजमहल देखने गया, वह उसकी सुंदरता देखकर तंग रह गया। तो इनमें रविंद्र व्यक्ति का नाम है, रेलगाड़ी वस्तु का नाम है और सुंदरता भाव का नाम है। आगरा है स्थान का नाम है, ताजमहल इमारत का नाम है। तो ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा है उसकी मुख्यतः तीन ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध हो। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का या विशेष वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, मुंबई, कुतुब मीनार। तो यहाँ पर ये क्या हो गए? विशेष व्यक्ति। मुंबई विशेष स्थान और कुतुब मीनार ये विशेष भी क्या हो गई? आपका विशेष स्थान हो गया। अब है इमारत हो गई आपकी वो। अन्य उदाहरण विशेष व्यक्ति में नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, साइना नेहवाल। विशेष स्थान में आगरा, कोलकाता, नई दिल्ली, पटना। विशेष वस्तु में हो गया आपका रामायण, हिमालय, ताजमहल। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी जाति की संपूर्ण वस्तुओं, प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो क्या था कि किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष चीज के का नाम होता है वो तो होती है व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में है कि जिस शब्द से किसी जाति की सभी वस्तुओं का, जैसे गाय हमने कहा तो गाय में गाय से संबंधित उसकी सभी जाति आ गई। तो किसी जाति की सभी वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जब हमने गाय कहा तो गाय में क्या हो गई? सभी गाय। सैनिक तो सभी सैनिक। अध्यापिका तो है जो सभी अध्यापिकाएं, उनके लिए अध्यापिका शब्द आया। तो अन्य उदाहरण है प्राणी में हो गया मनुष्य, लड़की, शेर, हाथी। वस्तु में हो गया खिलौना, मेज, कुर्सी। स्थान में हो गया गांव, शहर और देश। फिर आपकी भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव का आदि का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है बेटा? कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ऊंचाई, सुंदरता। कुछ अन्य उदाहरण है गुण में मिठास, चतुराई, बुद्धिमानी। दोष में बुराई, मूर्खता, कायरता। अवस्था में बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ध्यान दें, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव स्वरूप कुछ विद्वान हैं जो हिंदी में भी संज्ञा के दो भेद और मानते हैं कि मुख्यतः तो जो संज्ञा है उसके तीन ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन कुछ दो अन्य भेद भी हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये बेटा जातिवाचक का ही एक भेद है कि ये इसके जो उदाहरण आते हैं वो जातिवाचक में आते हैं। तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से पर्धा धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो गई? कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य का, पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, गेहूं, दूध। समूहवाचक संज्ञा है जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु या प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध हो। कि ऐसे संज्ञा शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है वो है आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना। अब सेना में एक तो सैनिक नहीं होगा, सेना में बहुत सारे सैनिक हो गए। ऐसे ही कक्षा का जब हम नाम लेंगे तो कक्षा में एक बच्चा नहीं होगा, बहुत से बच्चे होंगे। सभा। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे पूरी समूह या वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है वो क्या कहलाता है? आपका समूहवाचक संज्ञा। अब है भाववाचक संज्ञा बनाना कि भाववाचक संज्ञा है वो कैसे बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से
सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाएगी? जैसे मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता, युवा से यौवन, बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, देव से देवत्व, सज्जन से सज्जनता, चोर से चोरी, ठग से ठगी, पशु से पशुता या पशुत्व, गुरु से गुरुता या गुरुत्व, कारीगर से कारीगरी, व्यक्ति से व्यक्तित्व, माता से मातृत्व। हम बेटा जो रीडर में जो शब्द भंडार करते थे उसके अंदर हमने किया है ना कि संज्ञाएं बनाइए, वो यही भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं। सर्वनाम से भाववाचक, निज से निजता, आप से आपा, अपना से अपनापा, मम से ममता, अहम से अहंकार, सर्व से सर्वस्व। विशेषण से, जैसे मीठा से मिठास, अच्छा से अच्छाई, गर्म से गर्मी, सफेद से सफेदी, बुरा से बुराई, गरीब से गरीबी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठता, सादा से सादगी, स्वच्छ से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मधुर से माधुर्य, हरा से हरियाली, लाल से लाली, मोटा से मोटापा, अमीर से अमीरी, कठोर से कठोरता, जिंदा से जिंदगी। क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं, जैसे चढ़ना से चढ़ाई, हंसना से हंसी, जीतना से जीत, पढ़ना से पढ़ाई, कातना से कताई, मिलना से मेल, धोना से धुलाई, सजाना से सजावट, सींचना से सिंचाई, लड़ना से लड़ाई, दौड़ना से दौड़, चुनना से चुनाव, रंगना से रंगाई, लिखना से लिखाई, थकना से थकावट, हारना से हार, कमाना से कमाई और पीसना से पिसाई। अब है आपके आप दोहराएं कि जो संज्ञा है इसका अर्थ होता है नाम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण संज्ञा के दो भेद भी माने जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा स्वर्णाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो बेटा ये संज्ञा का चैप्टर आपका खत्म हो गया, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, कल हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस, दिस इज फॉर क्लास 6। इन प्रीवियस क्लास वी हैव रिवाइज्ड आवर थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड टुडे वी रिवाइज आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री नेम द बर्थ ऑफ ए सिविलाइजेशन। सो इन टुडेज क्लास वी कंटिन्यू आवर क्लास विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। First, the Indus Valley Civilization is also known as the Harappa Civilization. कि Indus Valley Civilization किसके नाम से भी जानी जाती थी? Harappa Civilization के नाम से। The two most important sites of the Indus Valley Civilization are Harappa and Mohenjo-daro. दो important site Indus Valley Civilization की कौन कौन सी थी? एक Harappa थी और दूसरी Mohenjo-daro थी। Third, द हड़प्पन्स फॉलो द ग्रिड सिस्टम वाइल लेइंग रोड्स। कि जब वो रोड बनाते थे तो वो ग्रिड सिस्टम को अपनाते थे। द सेल्स यूज्ड बाय द हड़प्पन्स वर मेड ऑफ टेरिकोटा, कॉपर एंड सीटेटाइट। कि जो हड़प्पन थे, जब वो सेल्स यूज्ड बाय हड़प्पन की जो सील यूज की गई है हड़प्पनों के द्वारा, वो टेरिकोटा, कॉपर और सीटेटाइट की बनी हुई हैं। Fifth, Dholavira is one of the oldest Harappan cities located in run of Kutch. जो रन का कच्छ था, जो कच्छ का रन है, एक जगह का नाम है बेटा ये, तो वहाँ पे Dholavira सबसे oldest Harappan city थी। Now we do the choose the correct option. The Great Granary was located at, Great Granary कहाँ पे स्थापित है? हड़प्पा में, कोटदिजी में, मोहनजोदारो में या कालीबंगा में? Answer, हड़प्पा। Second, which is the most common mythical animal found on the seal? कि सील के ऊपर कौन सा common animal पाया जाता था? तो bull, unicorn, eagle, lion. Answer is lion. Third is, the main occupation of Harappan society was? Harappa society की main occupation क्या है? Answer है agriculture, fishing, pottery या business or trade. Answer is एग्रीकल्चर। फोर्थ, द योगिक फिगर हैज बीन कंपेयर्ड टू? शिवा, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्णा। आंसर इज शिवा। विच ट्री वॉज रिगार्डेड स्केर्ड बाय द हड़प्पन?
पीपल ट्री, नीम ट्री, एप्पल ट्री, गवावा ट्री, ये पीपल की स्पेलिंग गलत है बेटा यहाँ पे, पी डबल ई पी ए एल, पीपल ट्री, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या है, पीपल ट्री। मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट है ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल, डॉकयार्ड, सिटेडल, साइन बोर्ड, ब्रॉन्ज स्टैचू, मोहनजोदारो, माउंड, धोलावीरा, लोथल। तो ग्रेट बाथ को हम मैच करेंगे मोहनजोदारो से, डांसिंग गर्ल को हम मैच करेंगे ब्रॉन्ज स्टेटस से, डॉकयार्ड को हम मैच करेंगे लोथल से, सिटेडल को हम मैच करेंगे माउंड से, और साइन बोर्ड को हम मैच करेंगे धोलावीरा से, ठीक है। तो फर्स्ट को हम मैच करेंगे बी से, सेकंड को हम मैच करेंगे ए से, सी को हम मैच करेंगे ई से, और फोर को मैच करेंगे सी से, और फाइव को मैच करेंगे डी से। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज द एक्सिस्टेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई एक्सीडेंट, दिस इज ट्रू। द हड़प्पन पीपल लिव्ड इन हाउस मेड ऑफ बर्नड ब्रिक्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द सिंबल ऑफ द इंडस वैली स्क्रिप्ट हैव बीन डिसअपीयर्ड, ट्रू। कैट्स एंड डॉग्स वर डोमेस्टिकेटेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, फॉल्स। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज सो वेल प्लान्ड, दिस इज दैट इज कुड बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मॉडर्न सिटीज, दिस इज ऑल्सो ट्रू। Now we do the short question answer of this chapter. Our first short question is, why is the Indus Valley Civilization also referred to as the Harappan Civilization? कि Indus Valley Civilization को Harappan Civilization भी क्यों कहा जाता है? The Indus Valley Civilization also referred to as the Harappan Civilization because Harappa is the first site which was discovered in it. कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यहाँ पे पहली साइट मिली थी वो हड़प्पा थी। सेकंड, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्ता है। द ग्रेट बाथ इज नेम गिवन टू ए ह्यूज पब्लिक टैंक एट मोहनजोदारो, इट यूज टू बी ए लार्ज कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ सिक्स, ठीक है, कि इसके अंदर चार कॉम्प्लेक्स थे, चार पार्ट थे इसके अंदर, सॉरी सिक्स पार्ट थे इसके अंदर बड़े बड़े। एंट्रेंस, ए सेंट्रल बाथिंग पूल एंड ए वेल, सिक्स एंट्रेंस है इसके अंदर, ए सेंट्रल बाथिंग पूल है और एक वेल है। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है कि छह तो एंट्रेंसेस है, छह तो दरवाजे हैं एंटर करने के, एक सेंट्रल बाथिंग पूल है और एक कुआ है। थर्ड इज एक्सप्लेन हाउ टाउन्स अमर्ज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आंसर द टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर वेल डेवलप्ड एज अर्बन सेंटर्स, की अर्बन सेंटर्स की तरह ये वेल डेवलप्ड थे, अच्छे विकसित थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सील्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सील की क्या इंपॉर्टेंस है। आंसर द सील्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली पीपल, कि जो सील्स हैं वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं लोगों के जीवन और उनके कल्चर के, किन लोगों के जीवन कल्चर के बारे में, इंडस वैली पीपल के बारे में। फिफ्थ इज स्टेट द एविडेंस विच सजेस्ट दैट द इंडस वैली पीपल हैड अटेन ए हाई लेवल ऑफ परफेक्शन इन मेटलर्जी, कि कौन से एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन के पीपल हैं वो हाई लेवल की परफेक्ट थे मेटल से चीज़ें बनाने में। द स्कल्पचर्स ऑफ ब्रॉन्ज फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल, द प्रिस्ट किंग हुज आर्म बैंड एंड वियर एंड एम्ब्रॉयड शॉल अराउंड हिम, कि दो चीज़ें ऐसी कि एक स्कल्पचर मिला है, एक मूर्ति मिली है एक डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज की, और दूसरे एक राजा मिला है जो अपने हाथ मोड़ के और जिसने अपने कंधे पे शॉल ओढ़ा हुआ है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द हिस्टोरियन कंक्लूड दैट द हड़प्पन हैड ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज, कि कैसे हिस्टोरियन ये बताते हैं, ये कंक्लूड निकालते हैं, ये कंक्लूजन निकालते हैं
कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग हैं उनका बाहर भी व्यापार था, बाहर की कंट्रियों के साथ उनका व्यापार था। आंसर, द डिस्कवरी ऑफ सील्स इन मेसोपोटामिया, इराक, पर्सिया, ईरान एंड अफगानिस्तान स्टैंड्स द प्रूफ ऑफ ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज। कि जो डिस्कवरी ऑफ सील्स हैं जो मेसोपोटामिया इराक में मिली है, पर्सिया ईरान में मिली है और अफगानिस्तान में मिली है, ये एक प्रूफ है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उनका व्यापार दूसरे भारी देशों के साथ भी है। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट इज, डिस्क्राइब द प्लानिंग एंड पैटर्न ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली पीपल बिल्ड वेल प्लान्ड सिटीज। सिटीज वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, द अपर टाउन एंड द लोअर टाउन। देयर वर टू टाइप्स ऑफ सिटीज, पब्लिक बिल्डिंग, ड्वेलिंग बिल्डिंग। कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो अपने घर कैसे बनाते, कौन से प्लानिंग और कौन से पैटर्न से अपने घर बनाते थे। तो सॉरी, जो टाउन्स हैं, जो सिटीज़ हैं, उनका प्लानिंग और पैटर्न क्या था। तो इंडस वैली के जो पीपल हैं वो वेल प्लान्ड सिटीज़ बनाते हैं, ठीक है, वो वेल प्लान्ड सिटी बनाते हैं। और जो सिटीज़ हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड हैं, एक अपर टाउन में और एक लोअर टाउन में। और यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सिटीज़ हैं, एक पब्लिक बिल्डिंग वाली और एक ड्वेलिंग बिल्डिंग वाली। द पब्लिक बिल्डिंग वर हाउस्ड इन ग्रेनरीज, द ग्रेट बाथ, द टाउन हॉल एटसेट्रा। जो पब्लिक बिल्डिंग होती हैं वो यहाँ पे उनके अंदर ग्रेनरी होती है, ग्रेट बाथ होते हैं और टाउन हॉल्स होते हैं। जबकि द सीक्रेट एंड द स्ट्रीट एंड ड्रेनेज पैटर्न एफिशिएंटली प्लान्ड। और जो स्ट्रीट है, जो गलियाँ हैं और जो ड्रेनेज पैटर्न है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किए हुए हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज एंड वन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वेरी वेल। वी रिवाइज द रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चंस एंड अदर एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज मैथ्स क्लास। सो टुडे वी आर इन द प्रीवियस क्लास वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 14, now move to the next chapter that is 16 and that is about data handling. अब data handling में क्या होगा, हमें data को handle करना होगा। अब किस कुछ से होता है, तो इसका first question है हमारे पास definition, उनमें first क्या है part, raw data क्या होता है, जो original form में हमें data given होता है उसको बोलते हैं raw मतलब एक तरीके से जैसे कच्चा वो बोलते हैं ना, ऐसे ही हमारे पास data क्या होगा, जो original form में हम data collect करते हैं वो क्या होगा, रो डाटा। उसके बाद हम उनको अरेंज करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास अलग फॉर्म में आ जाते हैं। ना एरे क्या होता है, एरे होता है जब हम उस डाटा को क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। जैसे मैंने आपको टेबल करना सिखाया था उसमें क्या था, क्या कर रहे थे हम, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे लोएस्ट लिए थे, फिर उसके बाद ऐसे भरते हुए जा रहे थे और क्या था, लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट वाली टर्म लिखी थी, ठीक है, टेबल में जो कर रहा था। तो उसको किस फॉर्म में करा था, असेंडिंग। सो द डाटा, व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर so that it can be arranged in a systematic order। हम क्यों करते हैं ascending और descending, ताकि हम उसको systematic way में कर सके, ताकि अगर हमें table से कुछ भी देख के data information देनी हो तो हम उसको easily वहां से देख सके और उसको लिख सके आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जब डाटा को हम सोर्स से ही सीधा जाके क्या कर लेते हैं, हम उसको कलेक्ट करते हैं, तो उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, हम किसी और सोर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, टेलीविजन हो गया, ये सब, इनसे अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो सेकेंडरी डाटा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जाके सोर्स से नहीं कलेक्ट कर रहे। कहाँ से कर रहे हैं हम, इंटरनेट से या टीवी से या किसी पर्सन के थ्रू, हम सीधा सोर्स के उसमें नहीं जा रहे, ठीक है। लास्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारे पास जितने नंबर ऑफ टाइम्स एक डाटा क्या होता है, रिपीट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइट गिवन है, उसमें 5 स्टूडेंट्स की हाइट सेम है, मतलब 155 सेंटीमीटर, अगर उनकी हाइट है सेम, तो वहां हम 155 को 5 टाइम्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 155, और फ्रीक्वेंसी में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। मतलब कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कि एक नंबर ऑफ टाइम्स जो डाटा रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ सेकंड में क्या है, हमारे पास एक क्लास टेस्ट था, उसमें 45 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, ठीक है। तो उनका उनके मार्क्स ऑब्टेन हुए 20 में से, आउट ऑफ 20 में से उनके मार्क्स ऑब्टेन हुए। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना हो, फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, जो भी डाटा क्या है यहाँ पे, मार्क्स है, अगर हाइट होती तो हाइट लिख देते, यहाँ लिख देंगे मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हमेशा सेंटर में क्या होता है, टैली मार्क, क्या होता है, टैली मार्क,
और इसके बाद यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि वो मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या ढूंढेंगे हम, सबसे स्मॉलेस्ट वाली टर्म ढूंढेंगे, मतलब सबसे कम मार्क्स किसके हैं, उसके बाद उससे ज्यादा, और ऐसे करके हम उनको असाइनिंग में लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिया है टू, टू मार्क्स है किसी एक स्टूडेंट के, और वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट के है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, एक। और यहाँ टैली मार्क में क्या होगा, सिर्फ एक स्टिक आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फोर मार्क्स है, फोर मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, टू स्टूडेंट्स के हैं, और उसके लिए कितनी स्टिक्स हो जाएंगी, वन एंड टू। उसके बाद फाइव है, फाइव मार्क्स जो है वो सिक्स स्टूडेंट्स के है, मतलब मैंने बताया था ये फाइव अगर मार्क्स छह स्टूडेंट्स के एक जैसे है तो अब इसका मतलब नहीं है, फाइव को सिक्स टाइम्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाइव, और फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे सिक्स। इसी से अंडरस्टेबल हो जाएगा कि हमारे पास क्या है, सिक्स स्टूडेंट्स के मार्क्स फाइव है। अब इसके लिए टैली मार्क क्या होगा, वन टू सिक्स है ना, तो वन टू थ्री फोर, फोर तक हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, फाइव, और उसके बाद एक सिक्स, ठीक है। फाइव पे क्या हो जाता है, क्रॉस, ऐसे ही टेन पे जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस, ऐसे फिफ्टीन पे जाके क्रॉस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मार्क्स है सिक्स, सिक्स मार्क्स है वो है थ्री स्टूडेंट्स के, तो कितनी स्टिक्स आ जाएंगे, वन टू एंड थ्री। उसके बाद एट है मार्क्स, और वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट के हैं, जो कि वन स्टिक आ जाएगी। उसके बाद है मार्क्स टेन, टेन जो है वो मार्क्स है नाइन स्टूडेंट्स के, नाइन स्टूडेंट्स के कितना हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, और फाइव पे क्या हो जाएगा, ऐसे क्रॉस, फिर उसके बाद सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ठीक है। टेन हो जाता तो फिर से एक और स्टिक ऐसे हो जाती। अब उसके बाद है फिफ्टीन ट्वेल्व, ट्वेल्व सिर्फ एक ही स्टूडेंट के मार्क्स है, जो कि हमारे पास वन स्टिक होगी। उसके बाद है फिफ्टीन मार्क्स, फिफ्टीन मार्क्स है फोर स्टूडेंट्स के, तो कितने स्टिक्स, वन टू थ्री एंड फोर स्टिक्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सिक्सटीन है, सिक्सटीन टू स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो वन एंड टू। उसके बाद हमारे पास सेवनटीन है, सेवनटीन भी टू स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो इसीलिए वन एंड टू हो जाएगा। एटीन जो है वो फाइव स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो कितना हो जाएगा, वन टू थ्री एंड फोर, और उसके बाद एक क्रॉस, क्योंकि फाइव है, ठीक है। उसके बाद नाइनटीन जो है वो थ्री स्टूडेंट्स के हैं, तो वन टू एंड थ्री, और ट्वेंटी जो है वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, सिक्स स्टूडेंट्स के, ट्वेंटी मार्क्स है, तो कितना हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, फाइव पे क्रॉस और एक सिक्स, ठीक है। अब हमें डाटा वेरीफाई करना है कि क्या हमारा ये जो टेबल है वो ठीक है या नहीं है। आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेक करनी है इनका, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 45 स्टूडेंट्स है, तो ये फ्रीक्वेंसी का क्या आना चाहिए, टोटल 45 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, वन, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस सिक्स इज नाइन, नाइन प्लस थ्री इज ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन इज थर्टीन, थर्टीन प्लस नाइन इज ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू प्लस वन ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री प्लस फोर इज ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन प्लस टू इज ट्वेंटी सेवन प्लस टू ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी नाइन प्लस टू इज थर्टी वन, थर्टी वन प्लस फाइव इज थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स प्लस थ्री इज थर्टी नाइन, थर्टी नाइन प्लस सिक्स इज फोर्टी फाइव, मतलब यहाँ 45 टोटल स्टूडेंट्स है, मतलब हमारा डाटा करेक्ट है, और ये क्या आएगी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आई, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसमें हाइट गिवन है, मैंने आपको उसकी टेबल कराई है, उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, लोएस्ट वाली टर्म, और उसके बाद ऐसे ही उनकी हाईएस्ट मैक्सिमम जो हाइट है उनकी 180 है, और लोएस्ट कहां से स्टार्ट हुई है, 115 से, ठीक है। उसकी मैं टेबल आपको करा चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट पिक्टोग्राफ करते हैं अब हम। ओके, सो फोर्थ के लिए मैंने आपको पिक्टोग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कराया हुआ है, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट जो है उसमें ऑलरेडी पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें पिक्चर बनानी होती है, और उस पिक्चर को हम अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से क्या करते हैं कि मेंशन कर देते हैं कि ये पिक्चर इतने उनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जितने भी हमें सुटेबल लगते हैं कि हम इतने बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उतने हम सुटेबली उनको मार्क कर देते हैं कि ये इतने उनको इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास, वहां पे केक बना है, और वो केक कितने सिंबल्स के लिए है, एक जो सिंबल है वो 10 केक्स रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक अगर दिखे के सिंबल तो मतलब 10 केक्स है। उसके बाद अगर दो दिख जाए तो कितने हो जाएंगे, 20, ऐसे तीन दिख जाए तो कितने हो जाएंगे, 30। लेकिन अगर हाफ दिख जाए तो, एक अगर 10 के लिए तो हाफ कितने के लिए होगा, 5 के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो वहां पे पूछा है हाउ मेनी केक्स वर सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को देखो, यहाँ पे मंडे को कितने सिंबल्स दिख रहे हैं, मंडे को हमें दिख रहे हैं फोर एंड हाफ सिंबल्स दिख रहे हैं, मतलब कि फोर के लिए कितना हो जाएगा, फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, या फोर को एंड फोर में क्या हो जाएगा, देखो सॉरी फोर एंड हाफ नहीं है, थ्री एंड हाफ है, तो थ्री एंड हाफ के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री के लिए तो पूरा 30 हो जाएगा, उसके बाद हाफ के लिए कितना होगा, फाइव, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, फर्स्ट के लिए 10, सेकंड वाले के लिए भी 10, थर्ड वाले के लिए भी 10, और उसके वाले के लिए कितना है, फाइव, तो कितना हो गया, 35 केक्स है वहां पे, ठीक है। इसके बाद पूछा गया नेक्स्ट पार्ट में, हाउ मोर मूव केक्स
वर्ष ओल्ड ऑन फ्राइडे देन ऑन वेंसडे, मतलब वेंसडे और फ्राइडे में से हमारे पास क्या पूछा है, फ्राइडे को ज्यादा के कितने हैं वेंसडे से, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, वेंसडे वाला निकालते हैं, वेंसडे को कितने केक हुए हैं, कितने सिंबल से वहां पे, वेंसडे का हमारे पास दो सिंबल और वो भी कंप्लीट है, तो क्या कर देते हैं 10 and +10 क्योंकि दो सिंबल से, तो दोनों 20 केक्स हो गए। अब फ्राइडे का करते हैं, ठीक है, फ्राइडे को कितने सिंबल दिख रहे हैं आपको, 4 and ½, तो 4 पहले 4 के लिए कर लेते हैं 10 क्योंकि वो कंप्लीट है, और उसके बाद हाफ वाले के लिए 5 होंगे, कितना हो गया टोटल 45 केक्स। तो अब हमें बताना क्या था कि हाउ मोर केक्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे देन ऑन वेंसडे, तो कितने केक ज्यादा है यहाँ से 45 और 20, तो कितने केक ज्यादा है 25, सो ऑन फ्राइडे 25 मोर केक्स वर सोल्ड देन ऑन वेंसडे, वेंसडे को मैं WED से ही कर रही हूँ सिंपली, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट जो है वहां पे क्या पूछा है आपसे, ऑन विच डे वर द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ केक सोल्ड, यहाँ पे सबसे, अब यहाँ पे फ्यूएस्ट मतलब क्या था, सबसे कम केक का अब सोल्ड हुए, यहाँ सबसे कम सिंबल देखे किसमें, सबसे कम सिंबल हमें दिख रहे हैं वेंसडे में, क्योंकि थर्सडे में 2 and ½ मतलब 2 भी और उसके बाद हाफ हो रहा है, तो मतलब कि सबसे कम केक किसमें हुए, वेंसडे को हुए, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना है, डे लिखना है वेंसडे, ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर ये भी लिखना है, तो लिख सकते हो कोमा करके 20 केक्स वाले, ठीक है 20 केक्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में क्या करना है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम केक, अब यहाँ पे मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम में आपको सिंबल ढूंढने, सबसे मैक्सिमम कहाँ है सिंबल्स, ट्यूजडे को देखो, ट्यूजडे को है 5 टोटल, ठीक है, और फ्राइडे को भी दिख रहे हैं 5, लेकिन वहां पे क्या है, एक हाफ है, 4 and ½ है, तो कौन सा ज्यादा हुआ, ट्यूजडे वाला, तो मैक्सिमम कब है, ट्यूजडे को है, और वो कितने केक है, 5 पूरे हैं, तो इसीलिए कितने हो गए 50 केक्स, क्योंकि वहां पे एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है 10 केक्स को, तो 5 सिंबल है, तो कितने हो जाएंगे 50 केक्स, ठीक है। नाउ 6 में हमें क्या करनी है, पिक्टोग्राफ उनकी खुद से ड्रॉ करनी है, सो देखो यहाँ पे क्या होगा, सो 6 में हमारे पास डाटा किसका गिवन है, शो द नंबर ऑफ एब्सेंटीज, मतलब कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज कौन से होते हैं, जो स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट नहीं होते, उन स्टूडेंट्स का हमारे पास क्या है, डाटा गिवन है कि उन्होंने एक वीक में, 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, उनमें से एक वीक में किन किन बच्चों ने छुट्टी करी है, एब्सेंटीज कितने, ठीक है। तो हम उस सिंबल को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ कर देते हैं नंबर ऑफ एब्सेंटीज, और उस सिंबल को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। एब्सेंटीज को किससे करा, सर्कल और ए बना के, क्योंकि हम ड्रॉ नहीं कर सकते बच्चों का, हमें सारे के सारे स्टूडेंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, इससे बेटर है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इससे बेटर हम सर्कल लगा के उसके अंदर क्या कर लेते ए, ठीक है। और ये कितनों को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ देखो हम अपने अकॉर्डिंगली उनको वो करेंगे, यहाँ कितना डाटा दिख रहा है 4, 2, 6, 8 और ऐसे 12, अब 12 ड्रॉ करने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, 2, 2 को डिनोट कर लेते हैं, ताकि क्या हो जाए, ये सिंबल जो है वो करता है 2 एब्सेंटीज को डिनोट करता है, ठीक है। ये सिंबल किसको करता है, 2 एब्सेंटीज को डिनोट करता है, तो मंडे को टोटल एब्सेंटीज कितने हैं 4, तो वहां पे एक सिंबल कितना करता है 2 को, तो 4 को कितने कर जाएंगे, दो सिंबल बना देंगे यहाँ पे सिंपली, ठीक है, हो गए। नेक्स्ट पे जाओ, 2 ही है, तो मतलब ट्यूजडे को सिर्फ एक ही होगा, एक सिंबल होगा, उसके बाद वेंसडे को अगेन 4 है, तो कितने हो जाएंगे 1 and 2, इसके बाद थर्सडे को कितने है 6 के लिए कितना हो जाएगा, एक डिनोट करता है, तो यहाँ कर देते 2 देन 4 और ये हो गया 6, ठीक है। इसके बाद फ्राइडे को 8, तो 2, 4, 6 and 8 हो गए। उसके बाद सैटरडे कितने 12, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 हो गया, बस यही आपको पिक्टोग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 16.1, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Students, this is for class 6. Students, as you all know, in previous video we started with the chapter simple past tense, and I discussed all the forms, the structure of the simple past tense and affirmative, negative and interrogative sentences. Now I want to tell you the simple uses of simple past tense, ki hum simple past tense kahan use kaise karte hain. First, A part is to express actions that took place
at some point of time in the past are over now. When we are talking about कि जो हमारा काम सम पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा था वो अब कंप्लीट हो गया है. फॉर एन एग्जांपल ही जॉइंड एकेडमी लास्ट ईयर, यानी कि उसने लास्ट ईयर एकेडमी ज्वाइन की थी. टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट, यानी कि जो पिछले टाइम से चली आ रही है कि उसकी ऑलवेज कोई हैबिचुअल हो जाता है, किसी चीज़ की आदि हो जाते हैं, आदत हो जाती है, उस चीज़ को बोलते हैं पास्ट हैबिट. To express action that begin and end in the past. और जो काम पहले start हुआ था और वो ख़त्म हो चुका है उसके लिए भी हम we are using past tense. For an example, he lived in Japan in 1990. यानी कि वो जापान में रहता था in 1990. So here we have the past forms of the verb. You can see here, you can read on your own. This is your homework. Appear, appeared, appeared. This is the present tense, this is past tense. In these forms we are going to use in the past tense. Okay students, this is the second form of the verb. On the basis of simple past tense we are having a book exercise also. Now let's start with the book exercise. That is on page number 73. Another next page means complete these sentences with the simple past forms of the verb given in the brackets. Here we have given the questions and forms are given in the brackets. इसको हमें change करना है, forms को, verbs हमें given है. First sentence is करीना dash the piano when she was a child. जब करीना बच्ची थी तब वो play करती थी, तो इसका जाएगा played, PLAYED. करीना played the piano when she was a child. Monica gone to. Second form of the verb of go is gone. Gave is this, not gone, it's gave, GAVE. Gave to the opera last night. The sunset been beautiful last night. Shishmita used those ideas from the company. My friends flew to Mumbai via New Delhi a week ago. Hema read a great book last week. He visited a client in Kolkata yesterday. I often brought my lunch to school. We gave Abby a valuable family heirloom for her birthday. My parents came to visit last December. Okay students, now these kinds of verbs are given in the your page number 72. Okay, you can read from there. Now let's start with the next exercise. Some verbs in these sentences have been split incorrectly. Split incorrectly means इधर उधर हो रखे हैं. Underline them and write the correct word in the space provided. Use a dictionary if you are not certain. What you all are going to do? The words are jumbled. Jumbled words you all know कि इधर उधर लिख देते हैं, उनका सही meaning करके आपको sentence दोबारा से correctly लिखना है. Okay students, first sentence is we swarmed a lot when we were on holiday. When we were on holiday, we swarmed a lot. Okay, how you are going to write it down? I'm going to write it down, the answers in the notebook. When we were on
holiday we swarmed a lot. This is the sentence, how you are going to write it down in your notebook. And now the second sentence, my brother tied his bedroom yesterday morning. My brother last, we are not going to use yesterday, we are using tied. It means this is enough. My brother tied his bedroom last morning. Okay, now third sentence, the students met in the hall last week. Meet लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, met. The students were met in the hall last week. Okay students, now I have done three sentences for you. Rest of the sentences you have to do it on your own. Okay, now next sentence question is, change these sentences into negative sentences. In negative sentences, you all know we are going to put not. हम not put करते हैं sentences के बीच में where we need, जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे हम need not put करेंगे, so that sentence इससे क्या हो जाएगा, negative sentence. As you see the rule also, we put did not in the negative sentences. You can see here the formation, or you can say structure. Like this we are going to do in the same in these sentences. Ella received this email a week ago. तो इसमें हमें did not put करने क्या करेंगे, Ella did not received, Ella के बाद received से पहले यहाँ पर put करेंगे did not received this email a week ago. Okay students, you have to do your work like this, and this is your homework. You have to do three questions in your notebook. You have didn't, मुझे पता है आपने अभी तक ये तीन questions नहीं किए हैं. You have to do it on your own. Okay students, thank you everyone. I hope you understand this book exercise and the simple past tense. Thank you. Good morning student, welcome to online class. This is Sarvesh from MLP International School. Students, nowadays we are just doing the next chapter, that is chapter number 9. So continue, let us start. Mummy banao. So student, मैलोची का हम ये पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9, तो इसका नेक्स्ट देखते हैं. ओ बॉय हु आर यू. ए लड़के तुम कौन हो. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. शिवाजी आस्क्ड एंग्रीली, शिवाजी ने जो है गुस्से में आकर उस लड़के से पूछा. माय नेम इज मालाजी, तो मेरा नाम मालाजी है. द बॉय स्टूड इरेक्ट एंड रिप्लाइड बोल्डली, यानी कि उस लड़के ने सीधा खड़ा होकर के जो है बड़े ही जो है अपने कॉन्फिडेंस से कहा. Why did you came to my palace? तुम मेरे महल में क्यों आए. शिवाजी asked, शिवाजी ने पूछा. Again, दोबारा. I wanted to kill you, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ. The boy was as bold as before, वो पहले की तरह ही बिल्कुल दृढ़ था. What? Were you not afraid of my guards? क्या तुम्हें मेरे जो है गार्ड से डर नहीं लगता है. Didn't you even think, क्या तुमने ये भी नहीं सोचा. That कि if caught, अगर पकड़े गए, you would be put to death, कि तुम्हारी मौत हो सकती है. Never, बिल्कुल नहीं. Are you not afraid of death, क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता. शिवाजी was bewildered, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अचंभे से हक्का बक्का रह के अचंभित होकर जो है शिवाजी ने ये कहा कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता.
नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. शिवाजी वॉज क्यूरियस नाउ. अब शिवाजी को जो है ये चीज लालसा लगी, वो जानना चाह रहे थे कि ही आस्क्ड द गार्ड टू टेक द डैगर फ्रॉम हिज हैंड एंड गो आउट ऑफ द रूम. अब जो है शिवाजी जो है क्यूरियस हो गए और उन्होंने गार्ड से कहा कि डैगर, डैगर एक छुरा होता है, कटार होती है जो छोटे साइज पुराने जमाने में जो इस्तेमाल होती थी और आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो इसको. तो उससे कटार लेने के बाद गार्ड को बोला कि तुम लोग रूम से बाहर जाओ. ओनली तानाजी स्टेड देयर, सिर्फ शिवाजी के साथ तानाजी वहाँ पर रुके. बट वाई डिड यू वॉन्ट टू किल मी, लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो. शिवाजी टर्न टू द बॉय एंड आस्क, शिवाजी जो है उस लड़के की तरफ मुड़े और पूछा. द बॉय सेड, बॉय ने कहा, माई फादर वॉज अ सोल्जर इन योर आर्मी, मेरे पिताजी आपकी आर्मी में सोल्जर थे, सैनिक थे. ही वॉज किल्ड इन ए बैटल, और वो एक लड़ाई में मारे गए. आफ्टर हिज डेथ, उनकी मौत के बाद. वी हैव बीन पासिंग थ्रू ग्रेट हार्डशिप, उनकी मौत के बाद हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया और हम बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं. आई वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी, और मुझे जो है पैसों की सख्त आवश्यकता है. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माई अलाइंग मदर, मेरी बीमार माता के लिए, यानी कि उसकी माता बीमार है और उसके लिए उसको ट्रीटमेंट के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है. वन डे, एक दिन. सुभान राय वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट एनिमी, सुभान राय जो तुम्हारे एक बहुत बड़े दुश्मन हैं, टोल्ड मी, मुझे कहा, दैट इफ आई किल्ड यू, अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ, ही वुड गिव मी अ लॉट ऑफ मनी, वो मुझे ढेर सारा पैसा देगा. ही फर्दर सेड, उसके बाद उसने फिर कहा, आई वॉज टेकन बाय सुभान राय's वर्ड, और मैं उसके शब्दों को सुनकर जो है मैंने ये डिसीजन लिया. आई केम हेयर, मैं यहाँ आया, एंड वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन टू योर रूम, और मैं यहाँ आकर ये देखने लगा कि मुझे कब मौका मिले और मैं तुम्हारे रूम के अंदर आ सकूँ. सो दैट, इसलिए आई कुड किल यू, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में आके तुम्हें मार सकूं. बट बिफोर आई कुड डू माई जॉब, लेकिन इससे पहले मैं अपना काम करता, योर गार्ड्स कॉट मी, तुम्हारे गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया. सो ये गॉसिप जो है शिवाजी के साथ जो है उस लड़के की थी. सो स्टूडेंट, अब ये जो वीडियो है आपका मैं यहीं तक बता रही हूँ. अब आपको क्या करना है, वो हार्ड वर्ड्स इसके लिखने हैं और उसके बाद इसकी रीडिंग लगानी है. सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर दैट. और उसके बाद जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू, टेक केयर. हेलो स्टूडेंट, टुडे सेशन आई प्रियंका मैम रिवाइज सम डेली यूजी सेंटेंसेज. स्टूडेंट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट डेली यूजी सेंटेंसेज इन योर डेली रूटीन, बिकॉज टुडेज टाइम एवरीवन वांट्स टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो यू हैव टू आल्सो यूज दैट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट टुडेज डेली यूजी सेंटेंसेज आर, डोंट गो, मत जाओ, मीन्स आपके घर को गेस्ट आया है बट आप उनसे ज़्यादा देर तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप उसको ऐसे बोलते हैं, डोंट गो, मत जाओ, मीन्स कल चले जाना. ठीक है, तो इस तरह से आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, डोंट गो. नाउ नेक्स्ट वन इज डोंट डू इट. सम टाइम आपका छोटा भाई या बहन कोई शरारत करता रहता है तो आप उसको बोल सकते हो, डोंट डू इट, यह मत करो. ओके, डोंट साउट, चिल्लाओ मत. समटाइम आपका जो बड़ा भाई बहन है वो पढ़ रहे होते हैं या कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं और आप वहाँ शोर मचाते हैं, तो वो ये यूज करते हैं, डोंट शाउट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डोंट वरी.
चिंता मत करो, ओके मीन्स कोई बंदा टेंशन में है तो ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो, आपको उसको हेल्प करो उसका जो टेंशन है उसको कम करने की, ओके। आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, तो ये आपने जैसे समटाइम मम्मी बोलती है होमवर्क कर लो, फिर बोलते हो कर लिया, तो मम्मी बोलती है कि यू लाई, तो आप ये यूज कर सकते हो, आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। डोंट बी सैड, दुखी मत हो, जब कोई पर्सन किसी टेंशन में होके और फिर दुखी बैठा रहता है चुपचाप खामोशी से, तो ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, डोंट बी सैड मीन्स आप दुखी मत हो। मीनिंग ऑफ सम डेली यूज सेंटेंसेस, स्टूडेंट में यहाँ पे आपको कुछ जो वर्ड हम मोस्टली यूज करते हैं सेंटेंसेस में उनकी मीनिंग बता रही हूँ, ताकि आपका कोई सेंटेंस डिफरेंट आ जाए तो आप उसका यूज कर सकते हैं उस वर्ड का और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्या, व्हाट, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हु, कौन, हूज, किसका, हाउ, कैसे। नेक्स्ट इज हाउ, कैसे एंड हाउ मैनी, कितने। तो स्टूडेंट इनका यूज कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, जैसे कि आपके पास कोई सेंटेंसेस यह है क्या है, तो आप इसको ऐसे यूज करेंगे, व्हाट इज दिस, वह कब आया, व्हेन ही कम्स, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, हु आर यू, तुम कौन हो। जैसे कि आपके घर पे कोई आता है लेकिन आप उसको बाय फेस नहीं जानते हैं, तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, हु आर यू मीन्स आप कौन हो। हुज पेन इज दिस, आपको कोई पेन मिलता है, आप क्लास में वर्क कर रहे होते हैं, तो आप इस तरह से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, जैसे कि आपके घर पे कोई गेस्ट आता है या आप किसी फ्रेंड से बात करते हो, तो आप उससे पूछ सकते हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। कितने, हाउ मैनी डेज इन ए वीक, मीन्स एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हाउ मैनी 7 days होते हैं एक वीक में, ओके। तो इस तरह के आप क्वेश्चन आप डेली यूज में आस्क कर सकते हैं और इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, टुडे सेशन आई प्रियंका मैम टीच यू सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, दैट इज द रिवीजन फॉर योर S7 एग्जाम। स्टूडेंट्स, टुडे इज माई टॉपिक इज MS PowerPoint। इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस विद यू MS Word एंड Excel। सो लेट्स स्टार्ट MS PowerPoint। इन टुडे सेशन आई टेल अबाउट सम बेसिक पॉइंट ऑफ MS PowerPoint। ओके, तो स्टूडेंट लाइक MS Excel एंड Word, MS Office का एक पैकेज है MS PowerPoint। दैट इज मोस्टली यूज टू मेकिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है MS PowerPoint is a part of MS Office or a package that allow user to create a presentation with multimedia effects। Student, multimedia effects का मतलब होता है कि आप उसमें text भी write कर सकते हैं और कोई photo भी edit कर सकते हैं। Okay, a presentation is a systematic display of information along with graphic, movies, sound and other That display on screen। तो स्टूडेंट ये बताया गया कि प्रेजेंटेशन में हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सिस्टमैटिक वे से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरनेट पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो सबसे पहले इंटरनेट की डेफिनेशन एक स्लाइड में, देन नेक्स्ट में इंटरनेट की यूजेस, इस तरह से आप उसको प्रॉपर और सिस्टमैटिक मैनर से शो कर सकते हैं टॉपिक को। ए प्रेजेंटेशन कंसिस्ट इन नंबर ऑफ स्लाइड्स। ओके, प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं। स्लाइड्स आर इंडिविजुअल पेजेस, मीन्स जो पावर पॉइंट में पेज ओपन होता है उस पेज को बोलते हैं स्लाइड। स्टूडेंट, दैट इज द स्लाइड, दैट इज द MS PowerPoint विंडो। तो इसमें ये क्या है आपकी स्लाइड। MS Word में इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट और MS Excel में इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये MS Word, PowerPoint और एक्सेल में पेजेस के अलग अलग नेम है। यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट बॉक्स है, इनमें आप कुछ भी राइट कर सकते हैं और इस कंप्लीट पेज को बोलते हैं स्लाइड। ओके, लाइक MS एक्सेल एंड वर्ड, MS PowerPoint हैज आल्सो फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, दीज आर द मेन्यू बार्स एंड दीज आर द ऑप्शन इन फाइल, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, रिसेंट इन्फो, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड,
ये आपके ऑप्शन है फाइल मेन्यू बार में, जिनसे आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, और सेव एज का मतलब उसको रीनेम कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो पावर पॉइंट की फाइल है वो इस इंडेक्स में शो होती हैं, इसके ऊपर पी राइट होता है। ओके, तो ये बेसिक थिंग है इसके बारे में, पावर पॉइंट के बारे में। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि सेव किस लिए होता है, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज टू सेव द फाइल और द फर्स्ट टाइम, मीन्स उसका नेम रीचेंज करने के लिए। वैसे तो एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड में ऑटोमेटिक सेव का ऑप्शन होता है, बट उसका अगर आप नेम चेंज कर सकते हैं यू कैन डू दैट। ओके, तो ये आपके हैं, इसके ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टॉपिक है इंटरनेट, आपको उस पर स्लाइड बनानी है, तो जैसे कि जो स्लाइड यहाँ पे ओपन होगी वो यहाँ पे शो होगी कि आपने कितनी स्लाइड बनाई इस टॉपिक पे। इंटरनेट यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आपने राइट कर दिया इंटरनेट, सेकंड में उसको डिफाइन कर दिया द टर्म इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स वी कैन कम्युनिकेट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट आपको एक पावर पॉइंट ओपन करके उसमें स्लाइड बनाना है, और फिर उसमें से जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रॉपरली वे में कम से कम 5 स्लाइड बना के और फिर उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना है कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि आपको कोई भी स्लाइड है उसमें उसका फॉर्मेट चेंज करना है, मीन्स उसका डिजाइन अलग लेना है, आपको टेक्स्ट राइट ना करके वो आपको उसमें फोटो पेस्ट करनी है स्लाइड में, तो आप यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे जो फॉर्मेट गिवन है इसमें जैसे आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे यहाँ लेआउट शो होगा, उसमें आप कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अदर ऑप्शंस बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी लाइक एमएस एक्सेल एंड वर्ड है, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, आप इनका यूज कर सकते हैं। ओके, ये आपके डिजाइन्स हैं जो आप कोई भी डिजाइन स्लाइड के बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर सकते हैं डिजाइन पे क्लिक करके। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आपको एमएस पावर पॉइंट को ओपन करना है, उसमें कोई भी 2 और 3 स्लाइड्स आपको बनानी है प्रेजेंटेशन के रूप में, उसको सेव करना है, सेव एज करना है, और फिर उसको दोबारा से रीओपन करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। टुडे स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन वर्क ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज वाटर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट। वाटर हमारी डाइट में क्यों इंपॉर्टेंट है? Water is an important part of all body function and help to regulate its temperature. Water हमारी diet में सबसे ज़्यादा important इसलिए क्योंकि हमारे जितने भी body functions होते हैं उन सब में water की requirement होती है, और ये हमारी body का temperature maintain करके रखता है। And also water carries nutrient to all cells in our body and oxygen to our brain. ठीक है, ये हमारे बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट डिफरेंट सेल तक कैरी करके ले जाता है, और ऑक्सीजन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। लिस्ट 3 वेज और टाइप्स ऑफ फूड विद देयर एग्जांपल। इसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ फूड बताने हैं उनके एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट है स्टूडेंट एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स में रिच होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट पाया जाता है। एग्जाम्पल में पोटैटो, ब्रेड, हनी, ये सारे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड रिच इन प्रोटीन। ये प्रोटीन इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एग्जाम्पल्स में है आपका एग, फिश, मीट। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड जो हमें डिसीज वगैरह से बचाते हैं, रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। ये विटामिन और मिनरल्स में भरपूर होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है। एग्जांपल में स्टूडेंट फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, एग है, ये सारे विटामिन और मिनरल्स में रिच फूड होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यू आर थिंकिंग दैट व्हाई आई हैव लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 3, वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, हाउ डज लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कॉज डिसीज। अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की वजह से क्या क्या डिसीज हो सकती हैं? कार्बोहाइड्रेट आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड। हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी होने लगती है तो हमें एनर्जी की भी कमी होने लगती है, मीन्स किसी भी काम करने में लेजीनेस
हो गया, फैटिकनेस फील होना, ये सब चीज़ें लैक ऑफ ईटिंग डाइट। और अगर हमारी फूड में इस चीज़ की डाइट में इस चीज़ की कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो हमें हमारे एनर्जी कम, मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, हमारा स्टेमिना डाउन होने लगता है, हम किसी भी कार्य को, किसी भी वर्क को ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हैं। तो अगर स्टेमिना डाउन हो रहा है तो स्टूडेंट इट मीन्स वी आर हैविंग द लो कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड। प्रोटीन डेफिशिएंसी इन डाइट कॉजेज PEM। जो प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो बॉडी में हमारे PEM की प्रॉब्लम होने लगती है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ओके, तो बिकॉज प्रोटीन जो है वो भी एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारी बॉडी को ग्रोथ वगैरह प्रोवाइड करता है, स्ट्रांग जो होती है बॉडी, सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइट। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है इसकी इंपॉर्टेंस बताने स्टूडेंट। अ डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट नोन एज बैलेंस्ड डाइट। वो डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट में सारे बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप बॉडी माइंड स्ट्रांग एंड हेल्दी। ये हमारी बॉडी को, माइंड को स्ट्रांग बनाने में, हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट ऑल्सो मेंटेन बॉडी वेट, हमारी बॉडी में वेट को बनाकर रखना, हमें अच्छी नींद देना, एनर्जी देना, स्टेमिना बिल्डअप करना, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस होती है। अगर कोई पर्सन बैलेंस डाइट फूड नहीं ले रहा है इट मीन्स उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स को सफ़र करना पड़ सकता है। ओके स्टूडेंट, सो वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट न्यूट्रिएंट फूड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और ग्रोइंग एज में जो चाइल्ड होते हैं उनको प्रोटीन सबसे ज़्यादा चाहिए होता है उनकी टिश्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने लेफ्ट किया था, यू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ विटामिंस बताने हैं, सोर्सेज फंक्शन एंड डेफिशिएंसी, सोर्सेज फंक्शन डेफिशिएंसी और विटामिंस। सी स्टूडेंट, इस टाइप की आपको एक टेबल बनानी है। इन योर फैर नोटबुक यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ टेबल, विटामिन एंड सोर्सेज फंक्शन डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज। ओके, आप विटामिन को अलग कर सकते हैं, सोर्सेज में भी एक कॉलम बना सकते हैं। विटामिन ए में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं। फंक्शन क्या है इसका स्टूडेंट, इट कीप्स आइज को अच्छा बना के रखना, मतलब आई साइट बिल्डअप करना, हेयर एंड स्किन हेल्दी। नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंसी क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। ये हमारा फंक्शन है, ये विटामिन और सोर्सेज है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट विटामिन B1। B1 में देखिए इसके सोर्सेज हैं एग, ग्रेन, स्प्राउट, ये हमें लेने चाहिए। इसकी जो देखिए क्या कह सकते हैं, ये तो डेफिशिएंसी था, ये इसके सिम्टम्स थे। एड्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती, मेंटेन नर्वस सिस्टम, ये हमारा नर्वस सिस्टम मेंटेन करके रखता है, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें बेरी बेरी की प्रॉब्लम होने लगती है। ये है विटामिन B2, इसके सोर्सेज हैं एग्स, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ये क्या करता है, हमारी स्किन को हेल्दी करता है, माउथ को हेल्दी, मतलब माउथ में अल्सर्स वगैरह नहीं होने देता है, इस तरीके से फेस में ग्लो रहता है। एंड स्किन डिसऑर्डर, हमारी स्किन में प्रॉब्लम, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को एलर्जी वगैरह होने लगती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होने देता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12। B12 का सोर्सेज है मीट, सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, B12 का काम होता है हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बना के रखना, एंड प्लस में इसकी वजह से हमें अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है अगर B12 की कमी हो जाती है तो। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। सी जो है इसका सोर्स है सिट्रस फ्रूट, जितने आपके खट्टे लाइम, ऑरेंजेस, लेमन, टोमेटो, स्प्राउट्स वगैरह, ये सारे विटामिन सी के सोर्सेज हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को हटा के रखता है, हमारे टीथ को, गम्स को, जॉइंट्स को हेल्दी करता है, जो आपके जॉइंट्स में पेन वगैरह होता है तो अगर विटामिन सी की प्रॉब्लम होने लगती है। और स्कर्वी, जो हमारे गम्स वगैरह आपने देखे होंगे बहुत गंदे होने लगते हैं किसी लोगों के, कई कई लोगों के, सो ये सारी प्रॉब्लम इस विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। ये जो है आपका सोर्सेज होते हैं इसके मिल्क, फिश, एग, सनलाइट। ओके, इसकी ये क्या करता है, नॉर्मल ग्रोथ, बोन्स वगैरह में अच्छी स्ट्रांग ग्रोथ रहती है, इसकी कमी से हमें रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन के, इसके सोर्सेज स्पिनच, कैबेज और बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसका फंक्शन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी से सपोज दैट कई बार लोगों को चोट लग जाती है तो बहुत सारा ब्लड बहने लगता है।